ऑइंटमेंट्स, फाइटोरल ऑइंटमेंट्स का क्या है, जी कब इसका यूज होता है, कितने दिनों होता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या कंपोजिशन लगी और किस पर काम करता है, और ये ऑइंटमेंट्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या, इसको गोबर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और ये ऑइंटमेंट्स को इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, और ये ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल तवसा में फंगल इन्फेक्शन के इलाज में दिए जाने वाला ऑइंटमेंट इस तरह यूजफुल क्यों है, और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो फाइटोरल ऑइंटमेंट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी की वीडियो के अंत तक बन रही, चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद, दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं फाइटोरल ऑइंटमेंट, जो कि हमारे पास 30 ग्राम का ऑइंटमेंट है, जिसकी एमआरपी की बात करें उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास ऑइंटमेंट है उसकी एमआरपी 286। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स को माइक्रोलैब्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें, उसके अंदर कंपोजिशन से केटोकोनोजल्स ऑइंटमेंट्स 2% वेट बाय वेट इसके अंदर डाले गए हैं। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया है जिसका नाम है केटोकोनोजल्स 2% वेट बाय वेट इसके अंदर डाले गए हैं। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल तवसा में फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स एक एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स है, इसका इस्तेमाल फंगी के कारण होने वाले तवसा इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। इनमें एथलीट फूड, दाद, वेजनल थ्रस और स्वेटरस शामिल है। यह फंगी को मारकर उनके विकास को अवरुद्ध करके काम करता है, जिससे इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और लक्षणों से राहत मिलती है। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल तवसा के फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। ये ऐसे फंगस को मारकर काम करता है जो एथलीट फुट, चाले और दांत जैसे इन्फेक्शन का कारण बनता है। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल अगर आपके हाथों या पैरों के नाखूनों के बीच में कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपकी बॉडी के कोई भी पार्ट्स में आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या फिर आपको पसीने की वजह से आपकी जांघों के नीचे इचिंग, खुजली या रशेस टाइप्स या कोई फंगल इन्फेक्शन टाइप हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए फाइटोरल ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल तवसा में फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो फाइटोरल ऑइंटमेंट्स को केवल अपने अफेक्टेड एरिया पे, यानी कि आपके जहाँ पे तवसा में फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसी एरिया पे लगाएं, सब जगह इसको न लगाएं, उसको आप हल्के हाथ से लगा के आप छोड़ सकते हैं। और ये ऑइंटमेंट्स को इस्तेमाल करने से पहले अपने अफेक्टेड एरिया को साफ करें और सूखने के बाद वहाँ पर ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल आप ट्वाइस डे कर सकते हैं, यानी कि सुबह नहाने के बाद अपने अफेक्टेड एरिया पे और रात को सोते वक्त ये ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है तवसा पर पपड़ी बनना, या फिर इस्तेमाल जगह पर रिएक्शंस यानी कि जलन वगैरह होना, तो एक कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फाइटोरल ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स किस प्रकार काम करता है, फाइटोरल ऑइंटमेंट्स के अंदर जो मेडिसिन रहती है यानी कि केटोकोनाजोल्स ऑइंटमेंट्स, वो एक एंटी फंगल मेडिसिन है। यह फंगी की कोशिका झिल्ली को नष्ट करके इसकी वृद्धि को मारता और रोकता है, जिससे आपकी तवसा इन्फेक्शन का इलाज होता है। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स को यूज़ करने की पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से फाइटोरल ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो फाइटोरल ऑइंटमेंट्स के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन बताइए। फाइटोरल ऑइंटमेंट्स का वीडियो आपको थोड़ा सही यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।